सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो यार कैसे हैं आप लोग, होप सो सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली मजा आ रहा है तुम्हें यार, एडमिशन मिल रहे हैं तुम्हारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एडमिशन किसी ना किसी कॉलेज में तुम्हारा हो ही रहा होगा। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हो, ठीक है, तो कुछ तो मतलब तुम्हें पता होना चाहिए यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोसाइटीज के बारे में, क्योंकि यार देखो कुछ स्टूडेंट्स को ना बिल्कुल भी पता नहीं होता है एक्चुअली में सोसाइटीज होती क्या है, ठीक है। ठीक है यार, मुझे भी नहीं पता था फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था, मुझे भी सीरियसली नहीं पता था। मैंने ही वीडियोस देख के पता किया है कि यार सोसाइटीज एक्चुअली में होती क्या है। तो मुझे यार बहुत सारा ना कंफ्यूजन हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन तुम्हें ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, सोसाइटीज होती क्या है बेसिक लेवल पे बताने वाला हूँ, सोसाइटीज एक्चुअली में होती क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, एंड देन उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, हमें ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कैसी कैसे सोसाइटीज आपको देखने को मिल सकती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर इस चैनल पे नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यस प्लीज लाइक कर दिया करो यार वीडियो को एट द एंड। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मोटिवेशन मिलती है यार जल्दी जल्दी वीडियोज डालेंगे, ठीक है। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यार देखो, सवाल तो सबके मन में ये आता ही है कि यार एक्चुअली में सोसाइटीज होती क्या है, ठीक है। तुम्हें नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, बेसिक लेवल से मैं बताने वाला हूँ सोसाइटीज एक्चुअली में होती है। सोसाइटी ये सोसाइटी नहीं है कि जिसके आसपास तुम रह रहे हो, नहीं भाई ये नहीं होते सोसाइटीज, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज अलग ही होती है, ठीक है। वो किसी ना किसी स्किल्स पर काम करती है, लाइक डांस की स्किल्स हो गई, तुम्हें डांस आता है तो तुम्हें डांस सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए, तुम्हें सिंगिंग आती है, तुम्हें गाना पसंद है तो तुम्हें सिंगिंग की सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए, फोटोग्राफी पसंद है पिक्चर्स क्लिक करनी है फोटोग्राफी की सोसाइटी होती है, फैशन पसंद है तुम्हें मॉडलिंग करना पसंद है फैशन सोसाइटी होती है। मतलब हर तरह की सोसाइटी तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलने वाली है, ठीक है, हर तरह की सोसाइटी, ठीक है, हर तरह की, ठीक है। अब दो टाइप्स की सोसाइटी तुम्हें देखने को मिलती है कॉलेज में, हर एक कॉलेज में। एक तो होती है डिपार्टमेंट सोसाइटी, एक होती है ओवरऑल सोसाइटी जो पूरे कॉलेज की होती है, ठीक है। अब जो डिपार्टमेंट सोसाइटी होती है वो क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। देखो डिपार्टमेंट सोसाइटी कुछ नहीं होती, जैसे कि तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम्हारे कोर्स है बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री कुछ भी हो, तो उस पर्टिकुलर केमिस्ट्री या फिर उस पर्टिकुलर बॉटनी डिपार्टमेंट की एक सोसाइटी होती है, राइट, जिसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं, उस डिपार्टमेंट के, सिर्फ उस डिपार्टमेंट के इन्वॉल्व होंगे स्टूडेंट्स उस सोसाइटी में, बाकी कहीं से भी उस सोसाइटी को कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकता। अब एक होती है कॉलेज सोसाइटी। कॉलेज सोसाइटी क्या होती है, जो ओवरऑल सेल्स पे वर्क करती है, ठीक है। वो कौन सी सोसाइटीज होती है, तुम्हारी डांस सोसाइटी होगी या फिर सिंगिंग हो गई, फोटोग्राफी हो गई, फैशन हो गई, थिएटर हो गई, ड्रामा, ये सब सोसाइटी होती है कॉलेज सोसाइटी, जो ओवरऑल कॉलेज में वर्क करती है, ठीक है, जिसमें किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स आ सकते हैं, किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स आ सकते हैं, कहीं से भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं उस सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए, अगर वो स्किल्स तुम्हारे पास है या फिर तुम उस स्किल में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज तुमने देख रखी है स्किल में, तो तुम इजीली वो सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या होता है, ज्वाइन करने का प्रोसेस ऐसा एज सच कुछ है ही नहीं, ठीक है। वीपी को कॉन्टेक्ट करो, वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट को कॉन्टेक्ट करो, या फिर मतलब कोई भी अगर मेंबर है उस सोसाइटी का उसे कॉन्टेक्ट करो, वो तुम्हें प्रोसेस बताएगा। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस देखो कुछ नहीं होता, वो तुमसे गूगल फॉर्म या फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो फिल कराएंगे, उसमें तुम्हारी सारी डिटेल्स होगी, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो ये सब कुछ लिखा होगा, तो उसमें तुम्हें सब कुछ बता देना है, एंड यस एट लास्ट तुम्हारा होगा एक इंटरव्यू। इंटरव्यू में वीपी या फिर प्रेसिडेंट भी तुम्हारा इंटरव्यू लेता है, तो उसमें तुम्हें सब कुछ बताना है उन्हें कि ये सोसाइटी तुम क्यों ज्वाइन कर रहे हो, क्या फायदा है अगर हम तुम्हें इस सोसाइटी में लेते हैं तो तुम क्या क्या करोगे, टास्क पूरे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो ये सारी चीजें होती हैं उस सोसाइटी के इंटरव्यू राउंड में, ठीक है। बेसिकली इंटरव्यू राउंड ऐसा कुछ एज सच कुछ होता नहीं भाई, तुम्हारा यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, इतना टफ होगा, आराम से नॉर्मल पेस पे क्वेश्चन पूछेंगे, नॉर्मल तुम्हें आंसर करना है, ठीक है, मजे में, ठीक है। ये हो गया सोसाइटी को ज्वाइन करने का तरीका, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। अब देखो मतलब जब आते हैं स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेज में, कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, हमें सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, मतलब अति ज्यादा कंफ्यूज था, मैं भी नहीं पता था यार एक्चुअली में सोसाइटी होती क्या है, क्यों ही ज्वाइन करनी है सोसाइटी। तो सारे रीजन मैं बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्यों करनी चाहिए ज्वाइन, क्यों नहीं करनी चाहिए ज्वाइन। कुछ लोग कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ लोग कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, किसकी सुने भाई वेस्ट ऑफ टाइम है या फिर सच में क्या है मतलब। तो देखो कोई भी चीज अगर तुम ज्वाइन करते हो ना, फायदे भी हैं नुकसान भी है, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम फायदे देखना चाहते हो सोसाइटीज के या फिर नुकसान देखना चाहते हो, ठीक है। अब फायदे के अगर मैं बता दूं, देखो तुम्हारी एक तो स्किल्स इंप्रूव हो रही है, ठीक है,
तुम्हारे मतलब डांस तुम्हें आता था पहले से, वो तुम डांस की सोसाइटी अगर तुम ज्वाइन करते हो या फिर सिंगिंग की सोसाइटी भी तुम्हें अगर ज्वाइन करते हो या फिर कोई भी है सोसाइटी, तो देखो तुम्हारे वहां पर सीनियर्स मिलेंगे उस फील्ड में जो अच्छा कर रहे हैं, वो सीनियर्स मिलेंगे, तो तुम इजीली क्या करोगे उनसे मोटिवेशन लोगे और आगे बढ़ने की। ठीक है, ये हो गया हमारे स्किल्स इंप्रूव करना। ठीक है, सेकंड चीज आती है तुम्हारी डेवलपमेंट। अब देखो डेवलपमेंट कैसे हो रही है, भैया मैंने ये सोसाइटी ज्वाइन कर लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना क्या है, मतलब सोसाइटी में करना देखो कुछ भी नहीं होता, तुम्हें अपने स्किल्स पे वर्क करना है। तुम्हें टास्क दिए जाएंगे, तुम्हें प्रॉम्प्ट दिए जाएंगे, जैसे ड्राइंग की सोसाइटी है तो फाइन आर्ट्स सोसाइटी में तुम्हें प्रॉम्प्ट मिलते हैं, इस प्रॉम्प्ट से रिलेटेड तुम्हें कुछ बनाना होगा, ये सब ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट्स वगैरह है, तुम्हारे टास्क मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारी कोई राइटिंग सोसाइटी है, ठीक है, पोइट्री सोसाइटी होगी, तो इनमें तुम्हें मिलते हैं टास्क, तुम्हें एक पर्टिकुलर थीम बता दी जाती है, उस थीम पे तुम्हें लिखना होता है, वीक टू वीक ये मिलते रहते हैं, मतलब मिल गए 1 month में 2 टास्क मिल गया ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रेशर हैंडल करने की तुम्हारे अंदर एक मतलब ताकत आ जाएगी, यार यहां से ये प्रेशर है, यहां से ये प्रेशर है, अगर 2-3 सोसाइटी ज्वाइन कर लेते हो ना पागल हो जाते हो तुम लोग, यहां से ये प्रेशर आ रहा है सोसाइटी का, इस सोसाइटी का काम भी करना है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने होते हैं, तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कैसे कराते हैं सोसाइटी, देखो हर सोसाइटी का अपना एक इवेंट होता है, हर सोसाइटी का अपना एक फंक्शन होता है, हर साल या फिर मतलब मंथ में भी हो सकता है वो, या फिर 3 months में हो सकता है, पर सेमेस्टर हो सकता है, तो ऐसे वो फंक्शंस या फिर इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं हर सोसाइटी का, हर सोसाइटी के। ठीक है, अब तुम्हें वहां से मैनेजमेंट स्किल सीखने को मिल सकती है, तुम मैनेज कर सकते हो इन इवेंट्स को, कैसे तुम्हें ऑर्गेनाइज कराना है, कैसे सब कुछ देखा जाता है, तो एक अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स भी तुम किसी भी सोसाइटी को ज्वाइन करो तुम्हें सीखने को मिलती है मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखो बोलने का एक ना तरीका मिल जाता है, तुम सीनियर से बात कर रहे हो या फिर किसी भी अपने कॉम्पिटिटर से बात कर रहे हो, जो भी मतलब तुम्हारा मेट है उस सोसाइटी में, तुम उससे बात कर रहे हो। ठीक है, एक तो कंपटीशन जहां आ जाता है ना, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स वहां पर तुम्हें मिलेंगे, डांस में गए हो तो डांस के स्टूडेंट्स ही तुम्हें वहां पे मिलेंगे, तो जहां कंपटीशन आ गया वहां मोटिवेशन अपने आप ही अंदर से आ जाती है कि यार हाँ यार मुझे कुछ अच्छा करना है तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटीज भी होती है, ड्रामा सोसाइटी अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो, कुछ कुछ कॉलेज के देखो यार ड्रामा सोसाइटी बहुत ज्यादा ही फेमस है, हंसराज तुम्हें पता होगा वहां से निकले हैं शाहरुख खान, तो मतलब किरोड़ीमल हो गया, किरोड़ीमल से निकले अमिताभ बच्चन जी, सतीश कौशिक जी, तो मतलब है यार इन मतलब इन सोसाइटीज में दम है, अगर तुम अच्छा कर रही हो ना, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो सोसाइटीज ज्वाइन करो, आगे करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा ही। ठीक है, तो बोलने का तरीका मिल जाता है, एक तो कैसे तुम्हें बात करनी है, स्पीकिंग स्किल्स तुम्हारी अच्छी हो जाती है। ठीक है, एक कुछ मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं कि फेम के लिए भी ज्वाइन करते हैं, फेम तुम्हें कैसे मिलेगी, देखो यार तुम एक सोसाइटी में कुछ अच्छा कर लेते हो ना तो तुम्हें प्रेसिडेंट की मतलब तुम्हें पोस्ट मिल जाती है, पोस्ट ग्रेजुएट बन जाते हो तुम, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी या फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी, तो उनकी ना रिस्पेक्ट होती है, एक सोसाइटी का प्रेसिडेंट है या फिर वीपी है तो उसे ना उनकी एक रिस्पेक्ट होती है, तो लोग मतलब जो भी स्टूडेंट्स है यार वो फेम पाने के लिए भी अपने एक कोई भी एक सोसाइटी ज्वाइन कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, देखो डिसएडवांटेज में भी आती है ये चीज, ऐसा नहीं है कि यार तुम कोई भी सोसाइटी ज्वाइन कर लोगे, पीयर प्रेशर में आ गए या फिर 6-7 बंदे का ग्रुप है तो उसमें एक ने डांस ज्वाइन कर लिया तो सबने ही डांस ज्वाइन कर लिया, यार नुकसान तो होगा ना फिर सबका। ठीक है, तो यही स्टूडेंट्स फिर बाद में आके कहते हैं कि यार ये मेरा तो वेस्ट ऑफ टाइम था, भाई ये तेरा वेस्ट ऑफ टाइम नहीं था, तूने जबरदस्ती से वेस्ट ऑफ टाइम बनाया है। ठीक है, एक स्टूडेंट को इंटरेस्ट था डांस में मगर सभी चले गए, 3-4 चले गए, क्या फायदा उन 3-4 का। ठीक है, तो तुम्हें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोसाइटीज को ज्वाइन करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग मैं बता दू, ऐसा कोई डिसएडवांटेज मैंने मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, कोई भी डिसएडवांटेज एज सच है ही नहीं सोसाइटीज को ज्वाइन करने का, तुम्हें कहीं ना कहीं से फायदा मिलने वाला है, बट यस थोड़ा प्रेशर आ जाता है पढ़ाई में, अगर तुम ज्यादा ही अच्छे हो तो तुम्हें प्रेशर देखने को मिल सकता है काफी ज्यादा, तो ठीक है पढ़ाई में ज्यादा अच्छे हो तो पढ़ाई को एक तरफ रखो एंड सोसाइटीज को एक तरफ रखो, दोनों को मिक्स करोगे ना मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें, तो ज्यादा सोसाइटीज को ज्वाइन मत करो, एज सच ऐसा कोई वेस्ट ऑफ टाइम है नहीं या फिर कोई डिसएडवांटेज एज सच है ही नहीं सोसाइटीज ज्वाइन करने का, तो सोसाइटीज ज्वाइन करो एंड बहुत सारी सोसाइटीज हैं, बहुत सब कुछ है यार, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मजे से एक्सप्लोर करो अपने कॉलेज को, मजे से एक्सप्लोर करो सोसाइटीज को। ठीक है, अब ऐसे ही वीडियोस मैं सोसाइटीज के बारे में ये मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी, सीरीज की ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने पर्टिकुलर एक बेसिक लेवल बताया कि सोसाइटीज एक्चुअली होती क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब मैं बताने वाला हूँ धीरे धीरे हर एक कॉलेज की सोसाइटीज बताऊंगा, टॉप 10 सोसाइटीज बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो मजा आने वाला है। ठीक है, तुम्हें इस सीरीज में, तो चैनल पे नए हो तो यार प्लीज बताइए क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन से क्या होगा, कोई भी अपडेट मैं तुम्हें डालूंगा ना, कोई भी वीडियो अगर तुम्हें डालूंगा सबसे पहले तुम्हें पता चलेगा। ठीक है,
एंड यस प्लीज लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो. एंड यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. एंड यस लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड गुड बाय.